एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल द ऑल राउंडर। तो ये जो थोड़ी सी क्लिप है मैंने संडे की है, तो मेरे मीठी आ गई थी। तो मीठी हम लोग सब बाहर ही बैठे थे, उनको खाना खाने के लिए बोला था लेकिन वो खा के नहीं गए। तो हम सब क्योंकि संडे के दिन है ना, मैं ये ऐसे काम किए जो जैसे बारिश आने के पहले कचरा वगैरह सामने वाला काउंटर में कचरा वगैरह था तो सफाई जैसे आंगन में सफाई वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे देखिए मिट्टी कितनी मस्त बैठी है और बहुत ज़्यादा बातें करने लगी है वो। फिर वो चली गई थी। उसके बाद ये देखिए हम लोगों ने क्या बनाया, पाटोड़ी। तो पाटोड़ी तो बनाई लेकिन इसकी सब्ज़ी नहीं बनाई थी। फिर टिंकल बोल रहा था मत बनाओ, तो ये पाटोड़ी बस ऐसे बना लो। तो हम लोगों ने फिर ऐसी पाटोड़ी बना ली और ये मतलब एक एक मिठाई के पीस के लिए। तो ये डिंकी ने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, बिल्कुल भी कुछ कम नहीं थी कि अभी परफेक्ट हो गई खाने बनाने में, मतलब हर कुछ चीज़ वो बना लेती है। तो जैसे चाहिए थी वैसी पाटोड़ी बनी थी। तो टिंकल ने बोला था कि रहने दो, मैं ना मतलब सब्ज़ी मंगा लेता हूँ पनीर की। तो हम लोग अपने लिए पाटोड़ी बना लिए और बस यही कुछ इस टाइप का संडे था हमारा, बिल्कुल बोरिंग गया था। तो संडे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो बस क्योंकि दिन भर वो कचरा साफ करते रहे। तो 6-7 बजे जब मिट्टी आई तब हमने नहाया था। तो मैं यहाँ से ना उठा के देख रही हूँ कैसा बना, सच में बहुत टेस्टी बना था। और ये हमने ऐसे खाए और मुझे बहुत याद आ रही थी। और उसके बाद फिर ये आज का क्लिप था, यानी कि ये मंडे का क्लिप था। और मंडे को ये मैंने अभी शुरुआत की थी शाम से, ये शाम की चाय बन रही है। उसके बाद इतने बादल आए, मस्त बारिश आई और बारिश में हम दोनों माँ बेटी मस्त झूम के नाचे आज पहली बारिश में, और बहुत अच्छा लगा। तो यही कुछ था। तो यहाँ पे ये देखिए डिंकी चाय बना रही है, अदरक डाल रही है और मैं बोल रही थी कि मुझे है ना थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दे। तो मेरे गले में ना छाले आ गए, वो हमेशा का प्रॉब्लम है ये मेरा। तो वो मुझे रोटी सब्जी दे रही थी, मैं बोली नहीं, वो टिंकल का टिफिन वापस आ गया था, वो जल्दी आ गया था, तो उसमें एक पराठा था तो वो पराठे के साथ मैं खा लूँगी। तो उसने सब्जी दे दी, फिर तब तक चाय बन रही थी क्योंकि शाम को है ना कुछ खाने की मतलब ये थी। और फिर बारिश आ गई ना, फिर पकोड़े वकोड़े, पहले बारिश के पहले पकोड़े हम लोगों ने आज इंजॉय किए थे। तो ये देखिए ये सब्जी ना आलू गोभी की थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो वो डिंकी ने बनाई, मतलब मेरे यहाँ ना जब तक उसका स्कूल चालू नहीं होता तब तक तो वही बनाएगी। और यहाँ पे देखिए हम लोग गीले हो रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए जस्ट मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत बारिश आएगी, लेकिन तो मैं यहाँ पे है ना ये कर रही हूँ। और फिर देखिए बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी तो हम लोगों ने रील्स वगैरह बनाई यहाँ पे, और फेसबुक पे रील्स वगैरह बनाई थी। और थोड़ा सा है ना यहाँ पे हम लोग है ना बहुत झूम के नाच रहे थे, मतलब तो वो हमने क्लिप आप लोगों से शेयर नहीं की, बस खड़े यही कर लेते। तो इतना इन्जॉय किया, पूरे गीले हो गए थे, मतलब बोलते हैं कि पहली बारिश में नहाना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर हमारे साथ विक्की भी कर रहा था इन्जॉय, और हम लोग सब मिलके है ना, और डिपरी को बोले आ जाओ, परी पानी से बहुत एलर्जी है। और ये देखिए यहाँ का ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना, और सब मतलब पेड़ पौधे सब खिल के हंस रहे हैं काफ़ी मतलब महीनों के बाद। और ये देखिए हम यहाँ पे नाच रहे दोनों माँ बेटी पागल जैसे, कैसे भी मोरनी जैसे नाच रहे हैं। हमको बहुत मज़ा आया, सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर बचपना मतलब ये नहीं देखते कि हम बड़े हो गए या हम बूढ़े हो गए या शादी हो गई बेटी हो गई, मतलब जैसे ये माँ बेटी दोनों मिल, मतलब हम लोग फ्रेंड जैसे ही ऐसे ही। परी को भी बुलाया तो वो भी नहीं आई, और ये टिंकल ने हमारा वीडियो बना लिया था और हंसी भी बहुत आ रही थी। फिर वो जैसे मतलब हम लोगों में ये देखे, और ये रिक्की बोला नहीं मेरे को नहीं लेना, वो भी टॉवल पे आ गया था गीला होने के लिए। वो बोल रहा था मेरे उसके फेस पे ना थोड़े पिंपल्स आ रहे तो ठंडे हो जाएंगे। तो ये देखिए इसके बाद है ना मैं नहाने चली गई, बर्तन वगैरह साफ कर लेते। और यहाँ पे है ना पकौड़े, और ये कढ़ाई को आप अवॉइड करना, ये कढ़ाई बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे डिंकी ना पकौड़े बना रही थी, इतने टेस्टी पकौड़े बने थे, मतलब पहले बारिश के मौसम के पहले बारिश में पहले पकौड़े ये आलू पकौड़े वगैरह बनाए थे, इतने टेस्टी बने थे, मतलब डिंकी तो परफेक्ट हो गई खाना। अब परी की बारी है, तो इस साल है ना डिंकी का थोड़ा पढ़ाई भी के भी ध्यान देना है, और बस कुछ दिन फिर उसके बाद डिंकी परी स्कूल जाने लगेगी तो मुझे करना पड़ेगा सब है ना। अब मेरी और एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो कुछ ही नहीं ऐसे सिंपल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है इस बार, तो कुछ ही नहीं घर घर में ही बनाएंगे ऐसे ही सिंपल सी, और उतना कुछ है नहीं आमदनी अट्टे नहीं खर्चा रुपये इस टाइप का इस महीने हो रहा है।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑलराउंडर। तो अभी देखिए, पहला बारिश का पहला मतलब पहले मौसम की पहली बारिश हुई है और थोड़ा ठंडक अच्छा लग रहा था, तो मैं है ना हम सब मस्त गीले हो गए। और अभी मैंने है ना नहा लिया और थोड़ा सा केले का पैक लगा लिया था, हेयर को थोड़ा मास्क लगा लिया था, तो थोड़े ऐसे चिपचिप टाइप, तो मैंने सिंपल पानी से नहा लिया है। और अभी हम लोग है ना भजिए तल रहे हैं, इस मौसम में पहली बार देखा, सोचा चलो खा लिया जाए, बन तल लिया जाए। और खा बना रही है डिंकी, तो हम लोग अभी खा लेंगे। और अभी समय बच चुके हैं 7, अभी थोड़े से खा लेंगे, फिर देखते हैं, फिर उसी की सब्ज़ी भी बना लेंगे। और अच्छा लगा आज ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। और बारिश आई ना, आई अभी चली गई, आई तो अच्छी आई, मतलब अच्छी खासी। और ये देखिए पकोड़े बन के तैयार हो गए, डिंकी ने प्लेट भी ले आए। तो ये समय था 6:30-7 बजे का ही था, तो फिर मुझे कुछ भूख भी नहीं थी। उसके बाद मैंने भजिए खाए, उसके बाद पता नहीं मुझे अजीब सा लगने लगा, मतलब जी तो नहीं मचल रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने डिनर वगैरह किया ही नहीं, ये पकौड़े खाए थे, उसके बाद मैं है ना मतलब लुस्त हो गई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मजा कर रहे हैं, और रिक्की और परी ये सब है ना इतनी मस्ती कर कर के खा रहे हैं, मतलब बनाती डिंकी है और उसी को है ना ये लोग छिन छिन के उसी के पास से खा लेते, इतनी मज़ा। मतलब ये याददाश्त है, इस मतलब वीडियो के द्वारा हम याद रख देते, कभी भी देखने को ये आ जाएगा। उसके बाद परी को बोली बहुत दिन हो गए हम, मतलब इन लोगों ने डिनर कर रहे थे और मैंने नहीं किया, मुझे ना बिल्कुल नींद से आ रही थी। तो परी को बोली थोड़ा सा बेडशीट अच्छे से कर दे, तो काफ़ी दिनों के बाद परी अच्छे से मतलब काम कर रही है, तो मैं इनका परी अच्छे से काम कर लो। तो ये देखिए, तो बस यही कुछ हम लोगों का संडे मंडे व्लॉग था। आई होप ये वीडियो अच्छा आपको लगा होगा, तो लाइक भी कर दीजिएगा गाइज, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हेल्प भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।